सेल मेम्ब्रेन पे डिफेक्ट होती हैं, कुछ क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए पे काम कर लेते हैं, कुछ मेटाबॉलिक यानी प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया जो अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं ए इन टू बी, यानी ए जो है हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स से क्या बनाना है प्रोडक्ट्स बना, तो ए इन टू बी जो है कन्वर्ट नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म पे कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं इसको स्टॉप कर लेते हैं, कुछ क्या करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस भी वो क्या करते हैं डिफेक्ट कर लेते हैं, जो सेल वॉल सिंथेसिस को जो रुकवाते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को, वो कौन से ड्रग हैं हमारे पास बीटा लैक्टम ड्रग हैं, और क्या वेंकोमाइसिन है और बैक्टेरासीन है, और क्या सेल मेम्ब्रेन पे कौन सा वो कर देते हैं हाँ पोलोमाइसिन बी है, जबकि मेटाबॉलिक पाथवे को जब रुकवाते हैं बैक्टीरिया के वो कौन कौन से ड्रग हैं हाँ हाँ कौन सा है सल्फोनामाइड ड्रग है, और प्रोटीन सिंथेसिस पे जो काम करते कौन कौन से एमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन है, मैक्रोलेट्स हैं, और क्या है क्लोरोपिनेकॉल है, और क्या है लेंकोसिनामाइड है, और कार्बापिनम है, और क्या है स्ट्रेप्टोग्रामीन ड्रग है, ये ड्रग जो है अलग अलग वो एक्शन करते हैं। अभी आप लोग इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल, जब एंटी माइक्रोबियल का जब हम बात करते हैं तो एंटी माइक्रोबियल में सब आते हैं, एंटी माइक्रोबियल के बाद हमारे पास फंगस भी आ सकते हैं, वायरस भी बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, फंगल भी आ सकते हैं, पैरासाइटिक भी आ सकते हैं, वायरल भी आ सकते हैं, दीज आर एंटी माइक्रोबियल। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है छोटे छोटे माइक्रोब्स, एंटी माइक्रोबियल। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एंटी बैक्टीरिया काम करते हैं, एंटी फंगल सिर्फ फंगस के खिलाफ काम करते हैं, एंटी पैरासाइटिक पैरासाइट के खिलाफ काम करते हैं। पैरासाइट में हमारे पास कौन कौन से आते हैं प्रोटोजा, जैसे अमीबा अमीबिक डायसेंट्री करा देते हैं, प्रोटोजा में हमारे पास हेलमेंथस ग्रुप आ जाते हैं, कीड़े वगैरह, और कौन से हैं हमारे पास जो एंटी प्रोटोजा में हमारे पास मलेरिया जो प्लाज्मोडियम है वो भी आ जाते हैं, सही है, और एंटी वायरल में हेपेटाइटिस ए बी सी ते ये वायरल है, इन्फ्लुएंजा वायरल है। तो ये क्या है जब हम एंटी माइक्रोबियल की बात करते हैं दीज आर द फोर क्लासिफिकेशन, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइटिक, एंटी वायरल। लेकिन फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल के खिलाफ कौन कौन होते हैं एंटी बायोटिक होते हैं। एंटी बैक्टीरियल क्या है, अभी हमारे पास एम्पेरिक थेरेपी किसे कहते हैं, ये देखो ये कंसेप्ट सुन लो, व्हाट इज एम्पेरिक थेरेपी, व्हाट इज प्रोफाइलेटिक थेरेपी, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस बट वी डोंट डिस्कस एम्पेरिक थेरेपी। ट्रीटमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन बिफोर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हैज बीन रिपोर्टेड थ्रू कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। एम्पेरिक थेरेपी वो होती है, मैंने आप लोगों को कहा पेशेंट को रिपीटेडली इन्फेक्शन हो और हम क्या करते हैं हम इसको एंटीबायोटिक पे रखते हैं, क्या करते हैं एंटीबायोटिक इसको कंटिन्यूली चल, क्योंकि 4-5 डेज तो हम इस पेशेंट को तकलीफ में तो नहीं रख सकते हैं, तो तब तक हम इसको एंटीबायोटिक पे रखते हैं जब तक कल्चर टेस्ट आ जाए, फिर ऑन द बेस ऑफ कल्चर जो सेंसिटिव ड्रग है उसको स्टार्ट कर लेते हैं, दिस इज नोन एज एम्पेरिक थेरेपी। एम्पेरिक थेरेपी समझ आया, देखो ट्रीटमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन बिफोर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हैज बीन रिपोर्टेड थ्रू कल्चर सेंसिटिविटी, बिफोर कल्चर सेंसिटिविटी के बाद हमें पता चलता है टेस्ट। एम्पेरिक थेरेपी इज विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, लेकिन एम्पेरिक थेरेपी हम कौन से एंटीबायोटिक से करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से करा देते हैं। व्हाट इज प्रोफाइलेटिक थेरेपी, प्रोफाइलेटिक एम्पेरिक थेरेपी में पेशेंट को डिजीज हुआ होता है, पेशेंट इन्फेक्टेड हुआ होता है, लेकिन हम फिर क्या करते हैं पेशेंट को रिपीटेडली इन्फेक्शन हुआ होता है, लेकिन फिर हम क्या करते हैं हमें पता नहीं चलता है कि हमने इतने मल्टीपल टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स दिए, लेकिन पेशेंट क्या हो क्योरेबल नहीं होता है, सही है, फिर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो है, पेशेंट रिपीटेडली तौर पर इन्फेक्टेड है, लेकिन हम फिर क्या कल्चर टेस्ट देते हैं ऑन द बेस ऑफ कल्चर टेस्ट, तब तक हम इसको एंटीबायोटिक पे रखते हैं, और फिर जब कल्चर टेस्ट आ जाए तो फिर इसके लिए हम क्या कौन से ड्रग देते हैं सेंसिटिव ड्रग। तो बिफोर द कल्चर टेस्ट जो हम ट्रीटमेंट देते हैं इस टाइप ऑफ थेरेपी को हम क्या कहते हैं एम्पेरिक थेरेपी, समझ आया। प्रोफाइलेटिक थेरेपी कौन सा, ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट एन इन्फेक्शन एज एन इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरी, इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरी या आफ्टर पेसमेकर इम्प्लांटेशन के लिए खिलाफ वो करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं प्रोफाइलेटिक थेरेपी। प्रोफाइलेटिक थेरेपी सिर्फ इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरी जिस कौन सा होता है लेपकोली लेप्रोटमी वगैरह करते हों, या कार्डिक सर्जरी से पहले भी हम प्रोफाइलेक्टिक कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, या पेशेंट का टोटल नी रिप्लेसमेंट हो रहा हो इसे, या पेशेंट का
ORF ओपन रिडक्शन, सही है, इंटरनल फिक्सेशन करना हो या कौन से, या वेट्स एक प्रोसीजर वो करना हो, या क्रेनोटमी करनी हो, या पेशेंट का वोन डेब्रेमेंट करना हो, तो बहुत से मल्टीपल टाइप ऑफ सर्जरी से पहले हम प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक्स देते हैं। वो एंटीबायोटिक्स क्यों लेते हैं, ताकि पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए, तो हम इसलिए प्रोफाइलेक्टिकली पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं। पेशेंट को डिजीज़ नहीं हुआ होता है, लेकिन इस प्रोसीजर की वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, स्किन है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, स्किन है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास स्किन है, लेकिन जब हम इसको कट लगाते हैं, सर्जरी के लिए कट लगाएंगे या नहीं, तो क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है पेशेंट की। तो हम इस ससेप्टिबिलिटी की वजह से हम पेशेंट को क्या कहते हैं, प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक देते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, हमने ये कहा था कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट में हमारे पास फोर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन थी। हम अभी कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ एंटी बैक्टीरियल एजेंट। एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। कौन कौन से, बीटा लैक्टम एंटी बैक्टीरियल। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन से होते हैं, आज के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि दीज आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। कौन कौन से, पेनिसिलिन है, सिफिलोस्पोरिन है, और क्या है, मोनोबैक्टम्स और कार्बापेनम्स है। ये हमारे पास किसकी क्लासिफिकेशन है, बीटा लैक्टम एंटीबैक्टीरियल। ये सारे क्लासिफिकेशन आप लोगों को विद द फिंगरप्रिंट आप लोगों को याद होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास कौन सी है, मैक्रोलेट्स। मैक्रोलेट्स में हमारे पास क्या आते हैं, वो लोग पढ़ोगे इसमें, एमाइनोग्लाइकोसाइड पढ़ोगे और क्लोरोकोएलिलीन पढ़ोगे, सही है, और टेट्रासाइक्लिन पढ़ोगे और सल्फेनामाइड पढ़ोगे। हमारे पास सिक्स टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। किस चीज़ की क्लासिफिकेशन, एंटीबायोटिक्स की या एंटीबैक्टीरियल की। हमारे पास दी सिक्स टाइप, अभी एक एक पढ़ते हैं वो क्या होती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब ये है टू किल द ऑर्गेनिज्म, किल करते हैं। हमने दो कंसेप्ट पढ़े, बैक्टीरियोस्टैटिक इनहिबिशन, ये बैक्टीरियोसाइडल है। इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन, साइडल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं। तो क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, जब पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर को क्या करते हैं, सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव में आ जाते हैं और ग्राम नेगेटिव में भी आ जाते हैं। ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल लीकेज ऑफ, जिसकी वजह से पेप्टाइडोग्लाइकेन की जब सिंथेसिस जब आप इनहिबिट कर लेते हो, जिसकी वजह से क्या होते हैं, लीकेज ऑफ इंट्रासेल्युलर कंटेंट्स क्या हो जाती है, कंटेंट्स क्या हो जाती है, लीक आउट हो जाती है। इस लीकेज की वजह से क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्ट हो जाते। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये दीवार क्या हो जाते हैं, इसकी सिंथेसिस जब आप इसकी बनावट को क्या कर लेते हो, रुकवा लेते हो, यहीं यहाँ पर दीवार नहीं बनेगा, ये कौन बोलता है, एंटीबायोटिक्स बोलती हैं। किसको बोलते हैं, बैक्टीरिया को, यहाँ पर आपका दीवार का हक नहीं, ये मेरा घर है। तो क्या करते हैं, इसके जब सिंथेसिस को हम जब रुकवाते हैं, तो जो कंटेंट्स है, जो आप लोगों उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो आप लोग जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाते हो, ख़राब हो जाते। जैसे कभी कभी हॉस्टल से आप लोगों को निकाला जाता है, क्योंकि मैं एंटीबायोटिक हूँ, तो एंटीबायोटिक क्या करता है, आप लोगों को हॉस्टल से निकाल लेते हैं। तो कंटेंट्स कब निकल जाते हैं, जब आप लोगों को दीवारें हम क्या कर लेते हैं, तोड़फोड़ का शिकार कर लेते हैं। ये को तोड़फोड़ कौन करता है, एंटीबायोटिक्स कर लेते हैं, सही है। एग्जाम्पल में क्या है, पेनिसिलिन है, और क्या है, दीज आर नोन एज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टम रिंग। इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इसलिए कहते हैं, किसमें है, हमारे पास कौन सा रिंग होता है, बीटा लैक्टम रिंग, वो वाला रिंग नहीं है, खास किस्म का वो क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर होता है। इस एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर की वजह से वो जो बैक्टीरियल सेल वॉल को सिंथेसिस को क्या करते हैं, रुकवा देता है। सिंथेसिस का मतलब ये है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो एंजाइमेटिक रिंग होती है, बीटा लैक्टम जो है, वो इसके फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रुकवाते, ईट अप कर लेते हैं, इसका मतलब ये ईट अप कर लेते हैं, सही है। हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस में डेवलप, रेजिस्टेंस कब डेवलप हो जाती है, मैं डेवलप ड्यू टू द बीटा लैक्टम एंजाइम, जो मैंने बताया, हाँ, प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया डेट डिस्ट्रॉय द बीटा लैक्टम रिंग एंड दियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लेकिन कभी कभी ये होता है, कुछ बैक्टीरिया जो है इसके खिलाफ रेजिस्टेंस करते हैं, जब रेजिस्टेंस होगा तो एंटीबायोटिक इसके खिलाफ इफेक्टिव होगी, नहीं होगी, कुछ बैक्टीरिया इसके खिलाफ रेजिस्ट कर लेते, तो हम फिर दूसरे एंटीबायोटिक की तरफ चलते हैं। देख लो, ये आप लोगों को, दिस इज द बैक्टीरियल सेल वॉल, ये एक बैक्टीरियल सेल है, जब हम पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये,
जब हम इसको एक्सपोजर टू द बीटा लेक्टम, बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक, जब हम एंटीबायोटिक देते हैं इस बीटा लेक्टम की वजह से, देखो तोड़फोड़ स्टार्ट हो गई है। किसने तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी? एंटीबायोटिक ने। इस तोड़फोड़ की वजह से क्या होगा? स्वेलिंग हो जाएगी। जब तोड़फोड़ होगा तो पानी जो है एक्स्ट्रासेलुलर जो है एंटर जाएगा, स्वेल हो जाएगा, जिसकी वजह से देखो जो कंटेंट है वो क्या हो गई? बाहर हो गई, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ज़िंदगी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। सही, बैक्टीरिया की ज़िंदगी किसने ख़त्म कर दी? एंटीबायोटिक ने। इस तरह ख़त्म कर देते। ये किसने किया? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ने किया। सही है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है हमारे पास कौन सा है? पेनिसिलिन जो है। सम ऑफ द इनिशियल पेनिसिलिन वर नैरो स्पेक्ट्रम। इब्तदाई वक्तों में पेनिसिलिन क्या था? नैरो स्पेक्ट्रम था। लेकिन हाउ एवर सम रिसेंट डेरिवेटिव्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्टिव एंड वाइडली यूज एंटीबैक्टीरियल एजेंट। वो कौन कौन से हैं? पेनिसिलिन जी है, मेथिसिलिन सोडियम है, एम्पिसिलिन है। हमने सब पेनिसिलिन पढ़ा था, एम्पिसिलिन है, और क्या है? एमोक्सिलिन है और क्लोक्सासिलिन है, जो आप लोगों को पता है ना क्लोक्सासिलिन। ये सब आप लोगों ने पढ़े होंगे और देखे होंगे। तो ये क्या है? दीज वर्क लाइक बीटा लैक्टम रिंग, जो क्या करते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन पे इफेक्ट करता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन कहाँ होता है? सिल्वान में होता है या सिल में, ब्रेन में? जो इसको क्या कर लेते हैं? इसके सिंथेसिस को रुकवाते हैं, जो डिस्ट्रक्शन कर दिया। इंडिकेशन, हम जो पेनिसिलिन या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को हम कौन से कंडीशन में देते हैं, किस बीमारी में देते हैं? देखो, यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पेशेंट को क्या हो? टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस इंफ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल, या नमूनिया हो, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो, सही है, एक्सक्यूज मी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हो। ये क्या है? हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, नॉट द एंटीवायरल दे रहे हैं। सही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमारे पास कौन से? गनोरिया है, सिफाइलस है, मेनिनजाइटिस हो, मेनिनजाइटिस में देते हैं। प्रोफाइलेक्टिकली यूज, हम एज अ प्रोफाइलेक्टिकली यूज बिफोर सर्जरी देते हैं, और डेंटल प्रोसीजर पेशेंट का दांत निकाल रहा हो या कोई डेंटल प्रोसीजर, इसमें भी देते हैं प्रोफाइलेक्टिकली भी यूज होते हैं। कौन? पेनिसिलिन। हमारे पास एडवर्स इफेक्ट, जब हम ये देते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? क्या एडवर्स इफेक्ट? जी आई एपसेट करा सकते हैं, भूख वगैरह कम करा सकते हैं, रेशेज आ सकते हैं, और रेजिस्टेंस करा सकते हैं, और एलर्जिक रिएक्शन एन एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी जा सकते हो। मैंने आप लोगों को यह बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सच टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स वी शुड टू आस्क द पेशेंट डेट डू यू हैव एनी टाइप ऑफ एलर्जी। सही है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करनी चाहिए, इसलिए ये कंडीशन हो सकता है अगर आपने नहीं पूछा। और क्या है? रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास पर ओरल में भी आ सकते हैं, रेयर, रेयर मतलब बहुत कम आ जाते हैं, IM और IV ज्यादातर लगती है। सही है, हमारे पास दूसरा है, हमारे पास फर्स्ट ग्रुप पेनिसिलिन था, ये किसका? किसकी क्लास? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन है जिसको हम क्या कहते हैं? सिपिलोस्पोरिन ग्रुप। सिपिलोस्पोरिन ग्रुप में क्या आते हैं? पूरा मजा आएगा, इसके चार क्लासिफिकेशन है, आप लोग अभी पढ़ोगे। इस सिपिलोस्पोरिन कौन सा होता है? सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंटीबायोटिक पाकिस्तान में खासतौर पर सिपिलोस्पोरिन ग्रुप यूज होती है। आप लोग अभी मान लोगे कि सबसे ज्यादा कौन होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाइडली यूज ग्रुप ऑफ ड्रग्स, वाइडली यूज होते हैं ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, सिमिलर टू पेनिसिलिन स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियो बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोसाइडल इसको कहते हैं, क्योंकि इंडिकेशन हम सिपिलोस्पोरिन ग्रुप को किस किस बीमारी में दे सकते हैं? सीवियर इंफेक्शन लाइक सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या कहते हैं? सेप्टिसीमिया मीन सेप्सिस, यस, सेप्टिसीमिया में देते हैं, मेनिनजाइटिस में देते हैं, सर्जिकल प्रोफाइलेक्टिक प्रोफाइलेक्सिस में भी देते हैं, हेपेटोबाइलरी इन्फेक्शन, हेपेटोसेल्यूलर इंजरी जो होती है उसमें देते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन में भी देते हैं, और नमूनिया में देते हैं, जैसे नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन नमूनिया के वो है। एडवर्स इफेक्ट, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सिपिलोस्पोरिन? जब हम ये मेडिकेशन देते हैं इसके क्या असरात हो सकते हैं? बुरे असरात को एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। क्या असरात हो सकते हैं? डायरिया करा सकते हैं आपको, सही है, जैसे उसको कराया था। एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, क्रैम्प्स मीन, और प्रोलॉन्ग ब्लड क्लोटिंग टाइम, ब्लड क्लोटिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करते हैं, मीन प्रोलॉन्ग का मतलब क्या है? ब्लड क्लोटिंग टाइम जब प्रोलॉन्ग होगा इसका मतलब ब्लीडिंग की चांसेस हो सकती है इसके मेडिकेशन की वजह से। और नेप्रोटॉक्सिसिटी, पेशेंट अगर नेप्रोटॉक्सिक हो तो इस कंडीशन में आप सिपिलोस्पोरिन ग्रुप देंगे? नहीं, तो नेप्रोटॉक्सिसिटी भी करा सकती है, और एलर्जिक रिएक्शन भी करा सकती है आपको। कब कराएंगे? जब पेशेंट एलर्जिक हो। और क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर ओरल रेयर है, जैसे सेफ्सपान आ जाते हैं इसमें, सिर्फ एक्जीम आ जाती है, सिर्फ एक्जीम या सेफ्सपान ही होते। IM और IV ज्यादातर, सबसे ज्यादा कौन से रूट आ जाती है?
आई वी आ जाती हैं। देख लो, दिस इज द क्लासिफिकेशन, स्पिरुलिना ग्रुप की पूरी क्लासिफिकेशन ये है। कौन कौन से क्लासिफिकेशन, देखो हमारे पास चार क्लास है। हमारे पास कौन सी क्लास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चार क्लासिफिकेशन है। जितना आगे जाओगे इतना ये डेंजर होता है, इफेक्टिव होता है, इतना ताकतवर होता है। जितना फर्स्ट क्लास का मतलब कम हो जाते हैं, फर्स्ट एफिकेसी। ग्राम पॉजिटिव, हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, फर्स्ट जनरेशन। हमारे पास जनरेशन होती है, ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। जितना जनरेशन बढ़ता है इतना इफेक्टिव क्या, इफेक्ट ज़्यादा होती है, सही है। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पेरेंटल, क्या करते हैं, पेरेंटल जो है, जो क्या है, आई बाई आई वी देते हैं हम। कौन सा है, सिपाजुलिन है, सही है। इसका मतलब पेरेंट ओरल नहीं है, बाय आईवी दे सकते हैं, कैप्सूल के नाम से आ जाते हैं। और कौन सा है, ओरल, सेफेलेक्सिन आ जाते हैं। लेकिन ये कैप्सूल जो है एज अ प्रोफाइलेक्टिक भी यूज होते हैं, बिफोर द सर्जरी जो है, ड्यूरिंग द सर्जरी हम प्री ऑपरेटिवली हम पेशेंट को देते हैं, सही है, कैप्सूल खासतौर पर, जो हमने प्रोफाइलेक्टिक पढ़ा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ एंटीबायोटिक इज गिवन एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर, एज अ प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी के लिए कौन से मेडिकेशन हम देते हैं। अगर ऑप्शन में कैप्सूल आ जाता है या सिपाजुलिन आया हो तो आप लोग इसको टिक करोगे, सही है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और ओरल सिफिलेक्सिन, सिफिलेक्सिन कब आ जाते हैं, जब हम पेशेंट को घर भेजते हैं तो कैप्सूल से डायरेक्टली हम सिफिलेक्सिन पे कन्वर्ट करते हैं, कैप्लेक्स के नाम से आते हैं। और सिप्राडीन, वेलोसिप के नाम से, जो आप लोगों को पता है, हर कोई जानता है। लेकिन अभी ज़्यादातर जो यूज़ होता है ये और ये, सिफिलेक्सिन और कैप्सूल यूज़ होते हैं। वेलोसिप का ज़माना तकरीबन ऐसे समझो कि ख़त्म हो गया। प्रिवेंटिव ऑफ सर्जिकल इन्फेक्शन जो मैंने बताया, प्रोफाइलेक्टिक के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड जनरेशन ऑफ सिपिलिस्पिरिन का, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ, ये ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ देते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन आ जाते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक वगैरह आ जाते हैं। ग्राम नेगेटिव में हम ये देते हैं, जैसे ग्राम नेगेटिव में हमारे पास जैसे टाइफाइड फीवर, वो ग्राम नेगेटिव है सलमोनेला, तो इसमें हम दे सकते हैं। बायपेरेंटल जो है, मीन का मतलब बाय आई वी देते हैं, सेप्रोक्सिम देते हैं, और जेनासिप के नाम से आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सही है। इसमें कोई ओरल नहीं आते इस ग्रुप में। हमारे पास किस किस में देते हैं, नमोनिया में देते हैं, ओटाइटिस मीडिया, इंफ्लेमेशन ऑफ मेडल ईयर, साइनसाइटिस, साइनेसिस, अगर इंफ्लेमेशन पेशेंट को रिपीटेडली क्या बोल रहे हैं कि मेरा ये बंद है, साइनसाइटिस में आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी ये देते हैं। और कौन सा है हमारे पास, थर्ड जनरेशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, हाईली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। ये पॉजिटिव के खिलाफ भी काम करते हैं, लेकिन हाईली किसके खिलाफ काम करते हैं, ग्राम नेगेटिव। एग्जाम्पल पेरेंटल जैसे सेप्रोक्सिम, क्लेफोरान के नाम से आते हैं, हमारे पास क्लेफोरान के नाम से आ जाते हैं, सेप्ट्रेक्सोन, रोसिपिन के नाम से आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास इसमें सेप्ट्रेक्सोन है, सॉरी, सेप्ट्रेक्सोन जो है थर्ड जनरेशन में आ जाते हैं। ओरल जो है, ओरल में हमारे पास थर्ड जनरेशन में क्या है, सिफिक्सिन, सिप्सपान के नाम से, आपको पता होगा या काय भी होंगे। ओरल अगर हम देते हैं तो फिर सिप्सपान देते हैं, और थर्ड जनरेशन हो गया ये किस किस चीज़ में, मेनिनजाइटिस में, गोनोरिया में, इंफ्लुएंजा और टाइफाइड में, ज़्यादातर जो है सिप्सपान और सिप्रेक्सोन देते हैं, थर्ड जनरेशन देते हैं। और फोर्थ जनरेशन में हमारे पास कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, हाईली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, ये भी ग्राम नेगेटिव, ये भी ग्राम नेगेटिव। एग्जाम्पल क्या है, सीपीएम, मीन क्या है, मैग्जीपिम, सही है, सीपीएम के नाम से आते हैं, जो क्या है, सेप्टिसीमिया में देते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया में भी देते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में भी देते हैं। कौन, ये दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। ये किसकी क्लासिफिकेशन थी, सिफिलिस्पिरिन ग्रुप की। कितनी जनरेशन है सिफिलिस्पिरिन की, फोर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जितना जनरेशन बढ़ेगी इतना इफेक्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबैक्टीरियल की तीसरी क्लासिफिकेशन कौन सी है, कार्बापेनम, कार्बापेनम ये इससे ज़्यादा और इफेक्टिव है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है मिक्स इन्फेक्शन, मीन मल्टीपल इन्फेक्शन के खिलाफ, ये पिछले वाला इससे कमज़ोर है, ये वाला इससे और ताकतवर है। कौन सा, सिफिलिस्पिरिन के मुकाबले में ये और इफेक्टिव, क्योंकि ये मिक्स इन्फेक्शन के खिलाफ काम करते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीज के खिलाफ काम करते हैं, जिसको हम बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। एग्जाम्पल एमीपेनम, मेरोपेनम, इसके एग्जाम्पल आप लोग ने हॉस्पिटल साइड में देखे होंगे, मेरोपेनम, एमीपेनम। इंडिकेशन हम किस चीज़ में देते हैं, कार्बापेनम, एमीपेनम या मेरोपेनम, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में भी देते हैं, एंड सीवियर एमिनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, एमिनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में देते हैं, जिसका एमिनो कम्प्रोमाइज हुआ हो, जिसमें कम्प्रोमाइज ड्यू टू दिस कम्प्रोमाइजेशन की वजह से इसको चांसेज ऑफ डिजीज की